मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं उसे इन वन को नहीं देखना है, बल्कि ब्रेक कर करके समझ समझ करके अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आप देख लेंगे कि हाँ सर ने ऐसे करा दिया, नहीं, आप उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन देखने के पहले पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेक्चर आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब जैसा कि पता ही है कि अब जेई मेन का पेपर काफी नजदीक आ चुका है, तो अब मैं इस सेशन में कुछ काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, और साथ में उस प्रॉब्लम को अल्टरनेट वे से कैसे किया जा सकता है यूजिंग द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, राइट। और भी कई तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर को अचीव कर सकते हैं अदर देन यूजुअल अप्रोच। तो मैं यूजुअल अप्रोच तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, और साथ में इस तरह के मेथड डिस्कस करूंगा जो कि आपको चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में बेस्ट पार्ट यह है कि चार ऑप्शन आपके सामने है, उसी में से एक में एक करेक्ट है, तो आपको क्या करना है कि उस करेक्ट आंसर पे पहुंचना ही आपकी बेसिकली प्राइम ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। वो आप यूजुअल अप्रोच से ही पहुंच सकते हैं, और वो आप एक अल्टरनेट थिंकिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। अब जैसे मैं देखता हूं यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। अब ये प्रॉब्लम है कॉस स्क्वायर आर पाई डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन आपके सामने है और आर इक्वल टू वन से लेकर एन माइनस वन तक की समेशन है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कहा गया कि इसके ऊपर समेशन लेनी है फ्रॉम आर इक्वल टू वन से लेकर एन माइनस वन तक, और फिर इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखते हैं यहाँ पे कि इस प्रॉब्लम को हम लोग यूजुअल अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, और फिर इसको साथ में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ, फिर यूजुअल अप्रोच के ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे मैं सपोज ले लेता हूं एन की वैल्यू, यहाँ पे आप ले लीजिए टू के इक्वल, राइट, कॉस स्क्वायर आर पाई बाई टू ले लीजिए, एन की वैल्यू टू के लेके काम कीजिए, तो कॉस स्क्वायर आर पाई बाई टू ले लीजिए, ले लिया आपने। अब यदि समेशन लेंगे तो समेशन r इक्वल टू वन से लेके तो वन ही होगा, मतलब एक ही टर्म तो आएगा, क्योंकि r इक्वल टू वन से लेके n माइनस वन है, n की वैल्यू आपने टू ले लिया है, तो टू माइनस वन यहाँ पे वन आ गया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू निकालनी cos स्क्वायर r पाई बाई टू, r इक्वल टू वन से वन, दैट मीन्स cos स्क्वायर पाई बाई टू की वैल्यू निकालनी है, और cos पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि n इक्वल टू टू हो जाए तो इस समेशन की वैल्यू सिंपली जीरो के इक्वल आ जाएगी, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि चार ऑप्शन में से जो आपको सामने दिख रहा है, यदि मैं n इक्वल टू टू यहां पे प्लेस कर दूं, देन द समेशन विल बी इक्वल टू जीरो, वही करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो देखते हैं यहां पे n इक्वल टू टू मैं प्लेस कर देता हूं, तो यहां पे वन आ रहा है, यहां पे आप देखेंगे वन बाई टू आ रहा है, यहां पे जीरो आ रहा है, लेकिन यहां पे देखेंगे टू के इक्वल आ रहा है n इक्वल टू टू प्लेस करने का। इसका मतलब द करेक्ट आंसर विल बी सी, बहुत आसान। अब इसी को यूजुअल अप्रोच से करेंगे तो काफी लेंदी पड़ जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि चार ऑप्शन कैसे सेट करे गए। यदि वो चार ऑप्शन ऐसे सेट करे गए कि आप कितना भी कोशिश कर लें एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा माना जाता है, राइट। अब क्वेश्चन सेटर ने यहां पे जो ऑप्शन सेट करे हैं उसके हिसाब से तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा एग्जाम के माहौल में, क्योंकि मेरे लिए काफी आसान है। बट मैं यदि यूजुअल अप्रोच से जाऊंगा तो ये क्वेश्चन मेरे को तीन चार मिनट ले सकता है, पांच मिनट भी ले सकता है, हो सकता है हो भी नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैंने देखा कि आपने मैं आपको क्या बताया, n इक्वल टू यदि ले लिया जाए तो उस केस में इसका जो समेशन है वो सिंपल सी बात है कितने की इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा। अब सपोज n इक्वल टू पे तो डायरेक्ट आ गया, राइट। अब लेकिन मान लो कि आपने ये लगाया और पता चला कि ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन आपके पास रह गए, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू थ्री ले लीजिए आप। अब n इक्वल टू थ्री लेंगे तो r की वैल्यू कहां से कहां समेशन होगी, वन से लेकर टू तक, तो n इक्वल टू थ्री ले लिया, तो n इक्वल टू थ्री ले लिया आपने। अब r इक्वल टू वन से लेकर टू तक समेशन होगी, इसका तो इसको क्या लिखा जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई थ्री, क्योंकि r इक्वल टू वन प्लेस करेंगे फिर r इक्वल टू टू प्लेस करेंगे, cos स्क्वायर टू पाई बाई थ्री, cos पाई बाई थ्री की वैल्यू वन बाई टू के इक्वल होती है, तो cos स्क्वायर पाई बाई थ्री विल बी वन बाई फोर,
cos 2 pi by 3 minus 1 by 2 के इक्वल होते 1 by 4 plus 1 by 4 it will come out 1 by 2. इसका मतलब ये summation n equal to 3 पे जो summation देगा इसकी value जो होगी वो कितने के इक्वल 1 by 2 के इक्वल होगी. इसका मतलब n equal to 3 जब मैं place करूँगा तो the answer definitely converted into 1 by 2. तो n equal to 3 place के यहाँ 3 by 2 आ रहा है, यहाँ 3 minus 1 by 2 आ रहा है, that means ये भी correct नहीं, ये 1 देगा, ये 3 by 2 minus 1 आ रहा है, इसका तो 1 by 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये correct answer, तो C is the correct answer. तो ये एक alternate thinking होती है, जिसके through हम लोग objective problem को कई दफे solve कर लेते हैं, right? ये मैं कोई एक, लगा तो मैं maths ही रहा हूँ, maths का तो knowledge चाहिए चाहिए, उसके बिना तो काम हो भी नहीं सकता, right? बट मैंने ये ऑल्टरनेट थिंकिंग के थ्रू सॉल्व किया है, राइट? अब इस तरह से अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, वो क्वेश्चन सेटर कुछ ऐसे क्वेश्चन सेटर भी होते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं कि भाई कि यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन भी करी जा सकती है. तो क्या करता है क्वेश्चन सेटर, क्या कर सकते हैं आजकल और करते भी हैं, वो करेंगे क्या, आर इक्वल टू वन से लेकर के यहाँ पे एन की वैल्यू 10 डाल देंगे, कॉस स्क्वायर आर पाई बाई 10 एंड टेक द सम आर इक्वल टू वन से लेकर 9 तक. अब इस केस में एलिमिनेट करना इतना आसान फिर नहीं रह जाता है, मेरी बात आप समझे, इस केस में एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं रह जाता है. अब मैं इस प्रॉब्लम को आपके सामने यूजुअल मेथड से करके दिखाता हूं, क्योंकि वो भी तो जानना जरूरी है, बिना यूजुअल मेथड समझे मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, राइट? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको कि कॉस स्क्वायर आर पाई बाय 50 आ जाए एंड टेक द सम फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से लेकर 49, फिर तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इतना कामयाब नहीं हो पाएगा, फिर तो आपको उस केस में यूजुअल मेथड से ही वर्कआउट करना पड़ेगा. तो मैं अब इस क्वेश्चन को यूजुअल मेथड सॉल्व करके दिखाता हूं, ताकि उसे भी समझना काफी जरूरी है, राइट? तो देखते हैं अब कैसे यूजुअल मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है. मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को यूजुअल अप्रोच से देखते हैं कि कैसे इसे वर्कआउट किया जाएगा. तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर आर पाई बाय एन को हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा का आइडेंटिटी वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड हेंस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2. तो सबसे पहला हमने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2. अब कॉस स्क्वायर आर पाई बाय एन को इस आइडेंटिटी का यूज करके जो लिखा जा सकता है वो हम लोग लिख क्या सकते हैं, 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 आर पाई डिवाइडेड बाय एन. कैसे, तो सिंपल सी बात है, थीटा इक्वल टू पाई आर पाई बाय एन प्लेस कर दीजिए. यदि आर पाई बाय एन प्लेस कर देंगे तो कॉस स्क्वायर आर पाई डिवाइडेड बाय एन विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 आर पाई बाय एन डिवाइड बाय 2, राइट? अब इसकी जगह पे हम लोग इसी को प्लेस कर देंगे. और जब हम लोग इसको प्लेस करेंगे और 1 बाय 2 समेशन से बाहर आ जाएगा, जो कि पता ही है आपको, तो जब वो करा जाएगा ऑपरेशन किस 1 बाय 2 को समेशन से बाहर लेने के बाद, तो नाउ दिस समेशन विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 समेशन ओवर r इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 तक इंटू 1 प्लस कॉस 2 r पाई डिवाइड बाय n, राइट? ये हमने कर दिया. अब इस समेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. दो पार्ट में कौन सा, हाफ समेशन ओवर r इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 तक, किसके ऊपर समेशन लेना है 1 पे, प्लस समेशन ओवर r इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 तक cos 2 r पाई बाय n. तो जब इसको दो पार्ट में किया गया तो ये आपका आ जाएगा समेशन s विल बी इक्वल टू हाफ r इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 तक और 1 पे समेशन ले रहे हैं. अब इसकी वैल्यू आप बताइए, इट विल बी सिंपली n माइनस 1. अब 1 को आप यदि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n माइनस 1 तक लिखेंगे, 2n माइनस 1 तक, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो समेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा. ये जो वैल्यू आई है वो हो गई हाफ इंटू एन माइनस 1, राइट? अब इसमें क्या किया गया, 1 बाई 2 इंटू समेशन ओवर r इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 cos 2 r पाई बाई n. अब r की वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर n माइनस 1 तक जब प्लेस करेंगे तो वो जो समेशन ओपन होएगा वो हो जाएगा आपका cos 2 पाई बाई n प्लस cos 4 पाई बाई n प्लस cos 6 पाई बाई n एंड सो ऑन प्लस cos 2 n माइनस 2 पाई डिवाइड बाई n. बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. r की जगह पहले 1 प्लेस किया, फिर r की जगह 2 प्लेस करेंगे, इस तरीके से करते हुए लास्ट में r इक्वल टू n माइनस 1 जब प्लेस करेंगे तो 2n माइनस 2 इंटू पाई बाई n आ गया. अब हमारा मेन पर्पस है इसका सम लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
कि cos 2 pi by n plus cos 4 pi by n plus cos 6 pi by n से लेके plus cos 2n minus 2 pi by n की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका हम लोग समेशन की वैल्यू मैं s डैश से डिनोट कर देता हूं, राइट। ये जो है यहां पे इसको मैं s डैश से डिनोट कर देता हूं और इसका सम हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। अब इसको सम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूले यूज करेंगे। वो फॉर्मूला आप खुद वो डिराइव भी कर सकते हैं, इस वक्त मैं डिराइव करके नहीं बता रहा हूं, मैं वो फॉर्मूला को खुद ड्राइव भी कर सकते हैं, घर पे खर कर लेना आप। अदरवाइज वो डायरेक्टली फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कई प्रॉब्लम में देखा गया यूज होते हुए। तो क्या फॉर्मूला है देखते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन प्लस कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, राइट। यदि इसका समेशन लेते हैं तो ये समेशन आता है आपका साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा डिवाइड बाई टू, ये सम आता है। इस समेशन को मैं कहूंगा कि इस रिजल्ट को तो याद कर लो आप, क्योंकि बहुत दफे इस रिजल्ट के बेस पे कई प्रॉब्लम होते हैं जो डायरेक्टली आप इस रिजल्ट का यूज करके कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग ये जब करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये एंगल जो है अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा एंड अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ये सारे एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए आप 2 पाई बाय एन 4 पाई बाय एन 6 पाई बाय एन एंड सो ऑन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में विद द कॉमन डिफरेंस कितना है 2 पाई बाय एन और फर्स्ट टर्म 2 पाई बाय एन है। यहां पे भी देखिए अल्फा फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस बीटा के इक्वल है। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये जो एंगल है अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सो ऑन अप टू nth टर्म है अल्फा प्लस n माइनस 1 * बीटा, ये जो आप देख रहे हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है विद द फर्स्ट टर्म इज अल्फा एंड द कॉमन डिफरेंस इज बीटा, राइट। बिल्कुल वही बात यहां पे आपको दिख रही है। अब बताइए यहां पे फर्स्ट टर्म कितना होगा 2 पाई बाय n, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाय n, कैसे यहां पे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो बीटा आएगा, उसी तरह से 4 पाई बाय n माइनस 2 पाई बाय n करेंगे तो बीटा यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने के इक्वल आ गया 2 पाई बाय n के इक्वल आ गया, राइट। तो यहां पे जो ये सम आया हुआ है यहां पे बीटा की जगह पे क्या प्लेस करेंगे 2 पाई बाय n, अल्फा की जगह पे प्लेस करेंगे 2 पाई बाय n, राइट। लेकिन एक बात जो बहुत ट्रिकी पॉइंट है जो ध्यान में रखना है जिसमें बच्चे गलत कर जाएंगे, ये जो आपका कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये n माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स नहीं है यहां पर, ये आपका n माइनस वन टर्म्स है, जबकि नीचे जो समेशन दी गई है वो n टर्म्स तक की दी गई है, ये वाला जो एंगल है वो nth टर्म है, ये बात ध्यान में रखना है। इसका मतलब n की जगह पे यहां पे क्या प्लेस करेंगे n माइनस वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। क्योंकि ये जो समेशन दिया जा रहा है वो तो r इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस वन तक लिया जा रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा एक तरह से n माइनस वन एंगल है, n की जगह पे क्या प्लेस कर, क्या n या n माइनस वन, तो इट विल बी n माइनस वन, राइट। इसका मतलब ये जो समेशन होगी s डैश वो किसके इक्वल होगी साइन n माइनस वन इंटू बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस n की जगह यहाँ पे n माइनस वन माइनस वन इंटू बीटा डिवाइड बाई टू, और अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना प्लेस किया जाएगा 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n। जब ये करेंगे तो ये समेशन s डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा साइन बीटा की जगह प्लेस किया गया 2 पाई बाय n, n की जगह पे n माइनस वन, ध्यान दीजिए n माइनस वन इंटू बीटा की जगह पे 2 पाई बाय n, साथ में 2 का टर्म आएगा क्योंकि यहाँ पे बीटा बाई 2 है, तो ये आ गया। नीचे बीटा की जगह पे 2 पाई बाय n, तो साइन 2 पाई बाय 2n इनटू कॉस अल्फा की जगह पे 2 पाई बाय n, अल्फा की जगह पे 2 पाई बाय n, तो 2 इनटू 2 पाई बाय n आ गया, प्लस n की जगह पे n माइनस 1, तो n माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा n माइनस 2, तो n माइनस 2, फिर बीटा की जगह पे 2 पाई बाय n डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा समेशन ऐसे आएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे अभी तक हमने s डैश के ऊपर बात करा है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, राइट। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, आप देखें ध्यान से, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा साइन पाई बाय n, तो यहाँ साइन पाई बाय n आ गया, राइट। अब इसका देखिए, ये भी 2 ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब पाई बाय n को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो इट विल कम आउट साइन पाई माइनस पाई बाय n, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल आउट करेंगे, पाई बाय n को n माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट साइन पाई माइनस पाई बाय n, और साइन पाई माइनस थीटा कितने के इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, आपको पता ही है ये बात, राइट। तो इसका मतलब साइन पाई बाय n, ये साइन पाई बाय n क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको सिंप्लीफाई करते हुए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे n इंटू 2 पाई बाय n,
माइनस टू इंटू टू पाई बाय एन, तो एन इंटू टू पाई बाय एन करेंगे तो एन एन कैंसल आउट हो जाएगा, केवल टू पाई रह जाएगा, माइनस टू इंटू टू पाई बाय एन करेंगे तो इससे एक कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये ऊपर केवल कितना रह जाएगा, ऊपर एक तरह से रह गया आपका टू पाई, क्यों, टू इंटू टू पाई बाय एन माइनस टू इंटू टू पाई बाय एन कैंसल आउट हो गया, रह क्या गया, ध्यान से देखिए एन इंटू टू पाई बाय एन, एन एन कैंसल आउट होकर ऊपर रह जाएगा टू पाई, टू पाई बाय टू पाई, इसमें कॉस पाई कितना हो गया माइनस वन, दैट मीन्स द होल समेशन एस डैश विल कम आउट माइनस वन, राइट। ये खुद भी वर्कआउट जरूर से कर लेना, राइट, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, तो ये माइनस वन के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिए ये वाला पूरा माइनस वन हो गया, इसका मतलब ये पूरा माइनस वन इंटू हाफ विल गिव माइनस हाफ, ये अभी हमने कितनी बात करी थी, इट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो ये एन माइनस वन डिवाइड बाई टू है माइनस हाफ, तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस हाफ इट विल गिव एन बाई टू माइनस वन, बहुत आसान, एन माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस हाफ, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट एन बाई टू माइनस वन, तो इस तरीके से ये आपका आएगा इसका आंसर एन बाई टू माइनस वन, राइट। तो ये इसका यूजुअल अप्रोच है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। अब मैं इसी प्रॉब्लम को ऑप्शन एलिमिनेशन से भी समझाया आपको, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे, यदि आपको कर लेते हैं तो ये हार्डली प्रॉब्लम, यदि एग्जाम में क्वेश्चन सेटर ने ऐसे ऑप्शन ही सेट कर दिए हैं कि आप एलिमिनेशन प्रोसेस से जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तब तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से जाइए एंड डू दिस प्रॉब्लम विद इन 30 सेकंड। बट वहीं पे यदि आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, एग्जाम में जो ये प्रॉब्लम जब आया, क्वेश्चन सेटर ने ऐसे ऑप्शन सेट कर दिए हैं कि जिससे कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तब तो यूजुअल अप्रोच से आप जाएंगे, राइट। अब ऐसे प्रॉब्लम जनरली कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं, ताकि एलिमिनेशन मेथड ना हो पाए, तो उसमें समेशन कैसे दे दिया जाएगा बता रहा हूं मैं, आर इक्वल टू वन से लेके 50 तक कॉस स्क्वायर आर पाई बाई 51, इसकी वैल्यू निकालिए जी। अब इसमें इसको करना फिर इतना आसान नहीं रह जाता है, राइट। तो मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप जरूर से इस प्रॉब्लम को थॉरली और अच्छे से कर लेना, और दोनों अप्रोच को ध्यान में रखना, यूजुअल अप्रोच को भी, मेथडोलॉजी प्रॉपर किया है, इसमें की पॉइंट्स जो हैं, इसका एक तो सबमिशन याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफे देखा गया है कि यूज होते हुए एडवांस और मेंस के प्रॉब्लम में, खासकर एडवांस के प्रॉब्लम में तो मैं देखा हूं कि कई दफे इस रिजल्ट का यूज हुआ है, जिससे कि जल्दी से वर्कआउट हो जाता है प्रॉब्लम, राइट। अब मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं, एक तो मैंने अभी जो डिस्कस किया था उसी प्रॉब्लम को किस तरीके से क्वेश्चन सेटर चेंज करके दे सकता है, ताकि ऑप्शन एलिमिनेशन करना इतना आसान ना हो, और ये भी खुद वर्कआउट करना, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा गया कि कॉस स्क्वायर आर पाई बाय 51 की वैल्यू बतानी है, और समेशन ली गई है इसके ऊपर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, पहले था r इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 cos स्क्वायर r पाई बाय n, मैंने n की जगह 51 प्लेस कर दिया और बिल्कुल एक नया प्रॉब्लम फ्रेम कर दिया गया है। अब यहां पे बहुत ही डिफिकल्ट है ऑप्शन एलिमिनेशन, इसमें तो आपको यूजुअल अप्रोच के थ्रू ही जाना पड़ेगा, राइट। तो ये वाली बात हो गई एक प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम एक और मैं देता हूं जो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था, वो क्या है, cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus cos 7 pi by 11 plus cos 9 pi by 11 की वैल्यू पूछी गई है। बिल्कुल वही है, देखिए आप इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, आप देखेंगे यहाँ पे तो अल्फा पाई बाय 4 के इक्वल है, बीटा यहाँ पे 2 पाई बाय 11 के इक्वल है, पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11, 5 पाई बाय 11, 7 पाई बाय 11, 9 पाई बाय 11 किसमें, बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, विद द फर्स्ट टर्म इज पाई बाय 11, मतलब अल्फा इज पाई बाय 11, एंड कॉमन डिफरेंस चूंकि बीटा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो बीटा यहाँ पे 2 पाई बाय 11 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले में बीटा की जगह 2 पाई बाय 11 प्लेस करना है, अल्फा की जगह पे पाई बाय 11 प्लेस करना है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप देख रहे हैं 5 है, मतलब n की जगह पे 5 प्लेस करेंगे। जब वो काम करेंगे तो आपके पास ये जो समेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन n बीटा बाय 2 प्लेस बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 11, यहाँ पे भी बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 11, n की जगह पे 5, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये खुद आप वर्क कर सकते हैं। ये जो टर्म है इस समेशन के लिए आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 11 इनटू कॉस में अल्फा की जगह पे पाई बाय 11
बीटा की जगह पे 2π/11, एन की जगह पे 5, जब ये प्लेस करेंगे तो कॉस 2π/11 प्लस 4 × 2π/11 डिवाइड बाई 2। आप ये देखें ध्यान से, तो ये आपका है एक्चुअली यहाँ पे ये जो आपका आ जाएगा 5π/11 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे 4 2π/11 प्लस 8π/11, इट विल कम आउट 10π/11 डिवाइड बाई 2, विच विल कम आउट 5π/11। इसका तो ये हो गया पूरा कॉस 5π/11, ये हो गया साइन 5π/11, ये हो गया साइन 5π/11। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 2 sin π/11 हो गया, ये 2 sin θ cos θ, इट विल बी sin 2θ, इसका तो हो गया यहाँ पे sin 10π/11। अब sin 10π/11 क्या लिखा जा सकता है आप मुझे बताइए, इट विल बी रिटन एज sin π/11, बहुत आसान है, 10π/11 विल बी रिटन एज π - π/11, तो sin π - π/11 विल गिव sin π/11। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये sin π/11 भी आया है, तो इसकी पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1/2 के, इसका मतलब समेशन जो इसकी समेशन वो किसके इक्वल होगी 1/2 के, दैट मींस द करेक्ट आंसर विल बी सी। तो इस तरीके से मैंने इस सेशन में कई प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं जिसको आप ध्यान में रखना है, राइट। अब हम लोग आगे कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं अगले सेशन में। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। हमारे को निकालना है वैल्यू समेशन ओवर आर इक्वल टू 0 to 9 ऑफ साइन स्क्वायर पाई आर बाई 18, और चार ऑप्शन दे रखा है 4.5, 3.5, 5 and 4। अब देख प्रॉब्लम को देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम बट एंड ऑब्वियस है कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इतना आसान नहीं होएगा, तो हमें यूजुअल अप्रोच ही करना पड़ेगा, और यूजुअल अप्रोच वैसे आसान ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ, इस समेशन को क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 0 से 9 जब प्लेस करेंगे यहाँ पे तो और ओपन करेंगे तो इट विल कम आउट साइन स्क्वायर पाई बाई 18, क्योंकि आर इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो साइन 0 विल गिव 0, और r इक्वल टू 1 पे साइन स्क्वायर पाई बाई 18, r इक्वल टू 2 पे साइन स्क्वायर 2π/18, साइन स्क्वायर 3π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/18 प्लस साइन स्क्वायर 5π/18 प्लस साइन स्क्वायर 6π/18 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस साइन स्क्वायर 8π/18 प्लस साइन स्क्वायर 9π/18। 9π/18 पाई बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू सिंपली 1 हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 8π/18 को क्या लिख सकते हैं, इट विल बी सिंपली साइन स्क्वायर 8π/18, 8 पाई को मैं लिख सकता हूं यहां पे 9π - π, 8 पाई को आप क्या लिख सकते हैं 9π - π। जब उसको ओपन करेंगे तो साइन 9π - π डिवाइडेड बाय 18, इट विल बी इक्वल टू साइन 5/2 - π/18, दैट मींस इट विल बी सिंपली साइन स्क्वायर पाई बाई 2 - π/18, और साइन पाई बाई 2 - θ पता ही है कि कॉस थीटा के इक्वल होता है, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 18, इसका मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 इट विल गिव 1, साइन स्क्वायर 2π/18 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 जो देगा वो कॉस स्क्वायर 2π/18 दे देगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1, राइट। इस तरीके से यहाँ पे टोटल यहां तक की जो वैल्यू होगी 4 हो गई, तो 4 + 1 इट विल गिव 5, राइट। एक तो ये अप्रोच है जिससे आप कर सकते हैं, एक और अप्रोच मैं आपको बता देता हूं, समेशन s इक्वल टू लेना है r इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक sin स्क्वायर पाई r / 18 को। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए पाई r / 18 कैन बी रिटन एज पाई / 18 * 9 - r, क्योंकि यदि आप इसके ऊपर सम लीजिए चाहे इसके ऊपर सम लीजिए दोनों एक ही बात आएगी। कैसे, देखिए r इक्वल टू 0 से 9 तक जब प्लेस करेंगे तो इट विल गिव दिस वन, अब यहाँ पे प्लेस कीजिए r की जगह पे 0 तो साइन स्क्वायर 9π/18 आएगा, फिर r इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे तो साइन स्क्वायर 8π/18 आएगा, r इक्वल टू 2 प्लेस करेंगे तो साइन स्क्वायर 7π/18 आएगा, लास्ट में r इक्वल टू 9 प्लेस करेंगे तो इट विल गिव 0। इसका मतलब इसको लिखें चाहे इसको लिखें बात एक ही है, राइट। लेकिन ये ट्रिकी पॉइंट अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 18 को अंदर ले जाएंगे तो इट विल गिव पाई बाई 2 - πr/18, मतलब ये वैल्यू जो हो जाएगी साइन स्क्वायर पाई बाई 2 - πr/18, और साइन पाई बाई 2 - πr/18 विल गिव कॉस पाई आर बाई 18, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर पाई आर बाई 18। इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे आप समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक साइन स्क्वायर पाई आर बाई 18 की वैल्यू निकालें, चाहे r इक्वल टू 0 से 9 तक कॉस स्क्वायर पाई आर बाई 18 की वैल्यू निकालें, दोनों सिंपली सेम है। अब जैसा कि अभी तक मैंने डिस्कस किया कि भाई कि s इक्वल टू साइन
s इक्वल टू r इक्वल टू 0 to 9 साइन स्क्वायर पाई r बाई 18 आया था। अब इसको मैंने प्रूव कर दिया कि r इक्वल टू 0 to 9 कॉस स्क्वायर पाई r बाई 18 के इक्वल। अब दोनों का सम ले लीजिए, सम किसका लेना है, s इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 to 9 साइन स्क्वायर पाई r बाई 18 एंड s इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 to 9 कॉस स्क्वायर पाई r बाई 18। जब दोनों का सम लेंगे तो 2s हो जाएगा LHS में, that 2s will be equal to summation over this one r equal to 0 to 9 sin square pi r by 18 plus cos square pi r by 18। जब इसका summation लेंगे तो it will give simply 10। कैसे, दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो ये सिंपल सी बात है, ये 1 के equal है, sin square theta plus cos square theta will give 1, और 1 का आप summation r equal to 0 to 9 लेंगे तो 1 को आप एक तरह से 10 दफे लिख रहे हैं, right? तो it will give 10, या तो ये सोच सकते हैं। दूसरा ऐसे सोच सकते हैं कि जब r इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये 0 1 हो जाएगा। अगले दफा 1 प्लस r इक्वल टू 1 पे sin स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 18 इट विल गिव वंस अगेन 1। r इक्वल टू 2 पे इट विल गिव 1, r इक्वल टू 3 पे इट विल गिव 1, r इक्वल टू 9 पे इट विल गिव 1। इसका तो 1 कितनी दफे आ रहा है आपका, 10 दफे आ रहा है, तो 2s इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, hence s इक्वल टू 5। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मैंने दोनों अप्रोच डिस्कस कर दिया है और दोनों ही अप्रोच में फंडामेंटली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी यूज हो रही है। बस ये ध्यान में रखना है कि कैसे साइन स्क्वायर को मैंने कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करा है, राइट। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए अलविदा। आपका दिन अच्छा रहे, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, आप मेहनत करें। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्रिकी ये भी है, तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। आपको पूछा गया है साइन पाई बाय एन प्लस साइन 3 पाई बाय एन प्लस साइन 5 पाई बाय एन, ऐसे करके एन टर्म्स है, इसकी समेशन की वैल्यू पूछी गई है। ऑब्वियस सी बात है, फिर से एक यूजुअल अप्रोच तो है ही जिससे हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मैं एक ऑल्टरनेट अप्रोच बता रहा हूं, जैसा कि पीछे भी कई सेशन मैंने डिस्कस करा हुआ है ऑल्टरनेट अप्रोच। मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस प्रॉब्लम को करने के लिए, मैं एन की जगह 1 ले लूंगा। कहने का मतलब मेरे को वैल्यू मैं निकालूंगा साइन पाई प्लस साइन 3 पाई प्लस साइन 5 पाई प्लस साइन 7 पाई एंड सो ऑन। अब बताइए मुझे साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 5 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब समेशन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए 0 आएगा। इसका मतलब डेफिनेटली इसका आंसर 0 होना चाहिए इफ एन इक्वल टू 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे देखता हूं कि n इक्वल टू 1 एक ही है जो कि n पे डिपेंडेंट है, तो इसके हिसाब से n इक्वल टू 1 डालता हूं तो 1 बाई 2 आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बाकी जो आंसर यहाँ पे एक ही 0 दिख रहा है, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, a होगा, राइट। क्योंकि और कोई ऑप्शन b ऑप्शन n पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब b ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए कि n की कोई वैल्यू डाली जाए तो जो समेशन है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, राइट। जबकि हमने क्या देखा कि n इक्वल टू 1 के लिए ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितने के इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए d ऑप्शन भी इसी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। b और c ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया वो आपको पता ही है कि n इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आ रही है, जो कि आनी नहीं चाहिए, बल्कि n इक्वल टू 1 पे 0 आना चाहिए। दैट विद द करेक्ट आंसर विल बी a, राइट। एक तो ये अप्रोच हो गया। सेकंड अप्रोच हम लोग देखते हैं, यूजुअल अप्रोच। इसमें क्या करेंगे, फिर से एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला देखिए क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इन टू बीटा इट विल बी इक्वल टू दिस वन। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी पीछे भी सेशन मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, बट वो कॉस को लेके था, अब ये साइन को लेके है, राइट। तो साइन एन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा डिवाइड बाई टू, राइट। ये फॉर्मूले तो आपको दिमाग में बैठा लो आप, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ये एंगल किस में, अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ये एंगल से तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें, इसका देखा जाए तो ये एनथ है, इसका मतलब यही बात हुई ना, राइट। अब यही बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय एन, इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा एंगल का तो वो आएगा कॉमन डिफरेंस, वो आएगा कॉमन डिफरेंस जो कि बीटा होगा, तो बीटा 2 पाई बाय एन। इसका मतलब यहाँ पे क्या कीजिएगा, बीटा की जगह 2 पाई बाय एन प्लेस कीजिए, अल्फा की जगह पाई बाय एन प्लेस कीजिए जो कि यहाँ पे है, और एन तो एन ही रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एन बोला गया। बट देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी काफी फास्ट कर रहा है आपको, यहाँ पे साइन एन बीटा बाई टू में जब आप प्लेस करेंगे बीटा की जगह पे 2 पाई बाय एन तो ये साइन पाई आ जाएगा। देखिए एन बीटा बाई टू है ना, तो यहाँ पे एन बीटा डिवाइड बाई टू इट विल कम आउट पाई,
तो साइन पाई की वैल्यू सिंपली कितनी होती है, जीरो। इसका ये पूरा आ गया जीरो। कैलकुलेशन भी नहीं करना है आपको, ये नहीं कि बैठ के कैलकुलेशन करे जा रहे हैं। इट विल बी सिंपली साइन पाई आफ्टर प्लेसिंग द बीटा इक्वल टू 2π/n। साइन पाई इज सिंपली जीरो, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस विल बी जीरो एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया। इस प्रॉब्लम में जो मैं की पॉइंट आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि इसकी समेशन की वैल्यू आपको याद रखनी है, राइट। ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, घर पे आप खुद वर्कआउट करके प्रूफ भी कर सकते हैं चाहे तो। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ। अब हम लोग एक और ट्रिकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। आपको कहा गया कि cos 5 थीटा दे रखा है, a cos root of 5 थीटा प्लस b cos root of 3 थीटा प्लस c cos थीटा, हमें c की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अप्रोच लेंगे वो देखना है हमें। अब क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में जनरली ये अप्रोच होता है कि सी की सपोज मुझे वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होएगा अभी पता चल जाएगा आपको। अब यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो cos 5 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5 थीटा इंटू 5, बहुत आसान है। फिर a, a यहां पे बाहर रहेगा, cos रेशियो 5 थीटा का डिफरेंशिएशन 5 cos रेशियो 4 थीटा, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो माइनस sin थीटा, यहां पे थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। प्लस b बाहर रहेगा, cos रेशियो 3 थीटा का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस sin थीटा, प्लस c बाहर रहेगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, दैट्स व्हाई इट विल कम आउट माइनस c sin थीटा। अब मुझे यहां पे c की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आप, थीटा की जगह पाई बाय 2 डाल दीजिए। यदि थीटा पाई बाय 2 प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों, cos पाई बाय 2 रेस्ट टू द ऑफ 4 इट विल गिव जीरो, cos पाई स्क्वायर पाई बाय 2 इट विल गिव जीरो, क्योंकि cos पाई बाय 2 की वैल्यू जीरो होती है तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ये कितना हो जाएगा, sin पाई बाय 2 विल गिव 1, तो माइनस c आ गया। इधर कितना होगा आपका, माइनस 5 इंटू साइन 5 पाई बाई 2 आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज माइनस c इक्वल टू माइनस 5 साइन 5 पाई बाई 2 आ गया। अब साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है जो कि आप देख सकते हैं, साइन 5 पाई बाई 2 को लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और 2 पाई प्लस पाई बाई 2 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 विल गिव साइन पाई बाई 2, दैट विल कम आउट 1, एंड हेंस इसकी वैल्यू जो होगी माइनस 5 के इक्वल होगी, तो माइनस c इक्वल टू माइनस 5 एंड c विल बी इक्वल टू 5। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे अप्रोच करेंगे, राइट। तो इस अप्रोच को ध्यान में रखना। ऐसा भी एक और प्रॉब्लम मैं और डिस्कस कर देता हूँ, राइट। अब हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि n एक ऑड इंटीजर है, और यदि n ऑड इंटीजर है तभी ये जाके वैलिड है, राइट। और साइन n थीटा को लिखा जा सकता है समेशन नंबर r इक्वल टू 0 टू n BR साइन रेस टू द पावर r थीटा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट। देन उसके बाद हमारे को प्रॉब्लम में पूछा गया कि भाई आपको बताना है b नॉट की वैल्यू कि 1 है, b1 3 है, b नॉट 0 है, b1 n है। अब हमें यहां पे इन चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्कआउट किया जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन एन थीटा को ओपन कर दीजिए इस समीकरण के हिसाब से। तो साइन एन थीटा क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा बी नोट, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो प्लेस करेंगे तो आर इक्वल टू जीरो प्लेस करेंगे तो बी नोट साइन रेस टू द पावर जीरो थीटा विच विल गिव 1, तो बी नोट प्लस बी 1 साइन थीटा प्लस बी 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन प्लस बी एन साइन रेस टू द पावर एन थीटा इट विल बी इक्वल टू साइन एन थीटा। और ये तभी वैलिड हो पाता है जबकि एन ऑड इंटीजर हो, दैट मींस 3, 5, 7 वगैरह हो जाए, एन ऑड इंटीजर हो जाए। अब सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे बी नोट की वैल्यू, देखिए बहुत ही आसान है। थीटा जीरो प्लेस कर दीजिए, जब थीटा प्लेस कर देंगे जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो विल गिव जीरो, हेंस बी नोट विल बी इक्वल टू जीरो आ गया। तो b not equal to 0 है तो इसका था आंसर डेफिनेटली या तो b करेक्ट होगा या d करेक्ट होगा, a और c अब करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, राइट। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ने के लिए कि मुझे अब b1 की वैल्यू, क्योंकि b1 की वैल्यू अब मुझे निकालनी है तो b1 की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो अब डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस एन थीटा, फिर एन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे एन को बाहर रखेंगे, थीटा का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विल गिव 1, हेंस साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया एन कॉस एन थीटा। बी नॉट, बी नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो गई, प्लस
B1 बाहर रहेगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर B2 साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरीके से चलेंगे। Bn लिखेंगे साइन रेस्ट टू द पावर n थीटा का डिफरेंशिएशन n साइन रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 थीटा इनटू कॉस थीटा। अब क्या करना है यहाँ पे, B1 की यदि वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान है, थीटा की जगह पे यहाँ पे प्लेस कर दीजिए आप 0, ताकि ऐसा होगा क्या कि ये भी जीरो हो जाएगा, इधर सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, B2 से लेके B3 B4 B5 से लेके Bn तक सारे टर्म क्या हो जाएंगे, सिंपली जीरो हो जाएंगे। यदि ये जीरो हो जाते हैं तो हमारे पास B1 रह जाएगा, B1 cos थीटा, तो B1 will be equal to n cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल, इस तरह से थीटा इक्वल टू 0 प्लेस किया तो B1 की वैल्यू सिंपली n के इक्वल आ गई, क्योंकि n * cos 0, cos 0 will give 1, hence B1 will come out n, that way the correct answer will be B। तो अभी जो दोनों प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, दोनों का अप्रोच एक जैसा ही है। अब मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम के साथ। अब हम नेक्स्ट एक और ट्रिकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। आपको कहा गया कि साइन रेस्ट टू द पावर 3x इंटू साइन 3x इट विल बी इक्वल टू समेशन ओवर फ्रॉम m इक्वल टू 0 टू n cm cos mx। ये एक आइडेंटिटी है x का, तो हमारे को क्या बताना है कि n की वैल्यू बतानी है, इस n की वैल्यू बतानी है जहां तक हमने सम लिया है। यदि ये आइडेंटिटी साइन क्यूब इंटू साइन 3x के इक्वल है, सी नोट C1 C2 C3 वगैरह जो होंगे ना वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, राइट। हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले साइन क्यूब x इंटू साइन 3x को कॉस के टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, cos x, cos 2x वगैरह के टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। अब ये लिखने का कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे cos x, cos 2x, cos 3x वगैरह का टर्म होगा, तो डेफिनेटली sin क्यूब x को मुझे sin x वगैरह के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब याद कीजिए आइडेंटिटी sin 3x का, sin 3x का आइडेंटिटी क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। Using this identity, sin cube x को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 3 sin x minus sin 3x divided by 4 into sin 3x। मतलब using that identity, sin cube x को ये लिखा जाएगा, पहला स्टेप तो यही है। अगले स्टेप में सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और इस 3 sin x minus sin 3x by 4 into sin 3x will be written as 3 by 4 sin x into sin 3x minus 1 by 4 sin square 3x। अब आपके दिमाग में क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा cos में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। sin x sin 3x को cos के टर्म में लिख सकते हैं, 2 sin a sin b equals to होता है आपका cos a minus b minus cos a plus b। using that identity 2 sin x sin 3x को लिखेंगे cos 2x minus cos 4x, right? क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा है कि सबको कॉस के टर्म में लिखना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब अगला देखिए साइन स्क्वायर 3x को कैसे लिखेंगे, तो याद कीजिए कॉस 2 थीटा किसके कुल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह से कॉस 6x क्या लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x, इस तरह से साइन स्क्वायर 3x क्या लिखा जाएगा इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 6x बाय 2, 1 माइनस कॉस 6x डिवाइड बाय 2। अब साइन स्क्वायर 3x की जगह पर ये प्लेस कीजिए, sin x into sin 3x की जगह पे प्लेस करेंगे cos 2x minus cos 4x divide by 2, तो जब ये प्लेस करेंगे तो now this will be equal to 3 by 8 into cos 2x minus 3 by 8 cos 4x, प्लेस करके खुद वर्कआउट करना ये आ जाएगा। sin square 3x की जगह पे 1 minus cos 6x by 2 जब प्लेस किया जाएगा तो it will come out 1 by 4, यहाँ पे 1 by 4 है, sin square की जगह पे 1 minus cos 6x by 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई सबको करेंगे तो आपका आएगा माइनस 1 बाई 8 प्लस 3 बाई 8 कॉस 2x, कैसे आएगा माइनस 1 बाई 8, तो माइनस 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 इट विल गिव माइनस 1 बाई 8, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। फिर अगला आएगा 3 बाई 8 कॉस 2x, फिर अगला आएगा माइनस 3 बाई 8 कॉस 4x, अगला आएगा प्लस 1 बाई 8 कॉस 6x, कैसे माइनस 1 बाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस 6x बाई 2 से, तो इट विल कम आउट प्लस 1 बाई 8 कॉस 6x, राइट, ये आ गया। अब यही चीज किसके इक्वल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ओपन करने के बाद समेशन को लिखेंगे c नॉट, क्योंकि m इक्वल टू 0 पे cos 0 विल गिव 1 c नॉट, प्लस c1 cos x प्लस c2 cos 2x
इसी तरह से चलेंगे प्लस सी एन कॉस एन एक्स, कंपेयर कर दीजिए। अब इसमें कोई वैल्यू पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं केवल एन ही पूछा जाए, हो सकता है आपसे सी नॉट पूछ दिया जाए। तो बताइए सी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन बाई एट। सी वन की वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ पे, सी वन की वैल्यू यहाँ पे जीरो के इक्वल होगी। क्यों ऐसा होगा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस एक्स का कोई कोफिशियंट ही नहीं है, कॉस एक्स का टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये तभी पॉसिबल जब सी वन जीरो होगा। इसी तरह से cos 2x का कोफिशिएंट c2 है, तो cos 2x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 by 8 है, तो c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 by 8। तो ये भी पूछा जा सकता है कि c0, c1, c2 वगैरह की वैल्यू, लेकिन प्रॉब्लम में यहाँ पे n की वैल्यू पूछी गई है, तो जब देखेंगे तो cos 6x equal to cos nx है, तो n की वैल्यू सिंपली 6, hence the correct answer, hence the correct answer will be c, right? तो इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से एक और ट्रिकी प्रॉब्लम जो कि आपके जेई मेंस एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मैंने डिस्कस किया है। आगे और एक प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूं। आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आईआईटी जेई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि जेई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थॉरली देखिए और इसका काफी आप इससे आपको काफी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोब एस सी वर्मा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं, इसका आप हेल्प लीजिए। जेई मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं, और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोब सॉल्यूशन है, जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोब के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, एस सी वर्मा के मिल जाएंगे। जेई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए मैथ्स से रिलेटेड है, अब इसका पूरा आप देख सकते हैं, ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है, जहाँ पे आप जा करके जेई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेई मेन और आईआईटी जेई दो है, जेई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का। इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली, क्या कॉन्सेप्ट है, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी साइट पर जा करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर में हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ब्रीफली कॉन्सेप्ट लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज है जो कि आपकी जेई मेन में एडवांस में आता रहता है, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन 15 क्वेश्चन, इसमें जो है 17 क्वेश्चन है, फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेई मेन को कवर अप अच्छे से करता है, और इनफैक्ट जेई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर AI ट्रिपल एनालिसिस, मतलब जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योरसेल्फ, फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं। इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ। देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स रोटेशन मोशन, इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए, फिर मैथ्स के चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे,
फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है, आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। एक तो ये बात है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IIT JEE के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपने साइट पे, वहाँ पे जा करके देखिए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट देन फाइनल रिवीजन, तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जा करके स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे उसका यूज करके आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले कुछ सेशन में जिसमें भी इसी तरह से हम लोग JEE मेन के ऊपर बात करते रहेंगे, जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।